अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने अर्तगल गाजी के अंदर दिखाए गए एक किरदार इब्नुल अरबी की हिस्ट्री पेश करेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेख अकबर मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल हातिमी अत्ताई अल अंदलुसी दुनियाए इस्लाम के मुमताज़ सूफ़ी आरिफ मुहक्किक आलिम और उलूम का बहरे बीकिनार हैं। इस्लामी तसव्वुफ में आपको शेख अकबर के नाम से याद किया जाता है और तमाम मशाइख आपके इस मकाम पर तमकीन के कायल हैं। आम ख्याल ये है कि तसव्वुफ़ इस्लामी में वहदतुल वजूद का तसव्वुर सबसे पहले इन्होंने ही पेश किया। इनका कौल था कि बातिनी नूर खुद रहबरी करता है। बाज़ उलमा ने इनके इस अकीदे को अलहाद और जिंदका से ताबीर किया है, मगर सूफिया इन्हें शेखुल अकबर कहते हैं। इनकी तसानीफ की तादाद 500 के करीब है, जिनमें फुसूसुल हकम और अल फुतुहातुल मक्किया बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। शेख अकबर इब्नुल अरबी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल हातिमी अत्ताई अल अंदलुसी था और आपके हाथ से लिखे खत्ती नुस्खों पर आप यही नाम लिखते आए हैं। तदबीरात इलाहिया के हाथ से लिखे नुस्खों का अक्स मुलाहजा करें, जिस पर मोहम्मद बिन अली इब्नुल अरबी वाजह तौर पर पढ़ा जा सकता है। मशरिक वाले आपको इब्ने अरबी कहते हैं, जबकि मगरिब के लोग आपको इब्ने अरबी और इब्ने सुराका के नाम से जानते हैं। आपको सबसे ज़्यादा शोहरत अश-शेखुल अकबर के लकब से हुई और मुसलमानों की तारीख में ये लकब किसी दूसरी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। आप अंदलुस के शहर मर्सिया में 27 रमज़ानुल मुबारक 560 हिजरी मुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज्ज़ज़ अरब ख़ानदान में पैदा हुए, जो मशहूर ज़माने सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मर्सिया के हस्पानवील असल हाकिम मोहम्मद बिन सईद मर्जनीश के दरबार से मुतालिक थे। इब्ने अरबी अभी 8 बरस के थे कि मर्सिया पर मुवाहिदों के कब्जा कर लेने के नतीजे में आपके ख़ानदान को वहां से हिजरत करनी पड़ी। आपने 1.5-2 साल का अरसा सरकारी मुलाजमत की, जिसमें आप बतौर फौजी फौज में भर्ती हुए, लेकिन फिर आपके साथ ऐसा वाकया पेश आया कि आपने मुलाजमत से हाथ उठा लिया और तरीके के दूसरे लोगों की तरह फ़ख्र को अपना शियार बना लिया। 620 हिजरी में आपने दमिश्क को अपना वतन बनाया, जहां के हाकिम अल मलिकुल आदिल ने आपको वहां पर आकर रहने की दावत दी। वहां पर आपने 28 रबीउल आखिर 638 हिजरी मुताबिक 1240 ईस्वी को वफात पाई और जबल कासियून के पहलू में आपको दफन किया गया, जो आज तक मरजय खवासो अवाम है। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम एक नए बयान के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।